नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अजीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आज न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम झबरेड़ा विधानसभा के नगला कुबड़ा गांव में पहुंची है, ये जानने के लिए कि चुनावी माहौल यहां पर क्या है। सभी पार्टियां अपने प्रचार में जोर शोर से लगी हुई है। नगला कुबड़ा में किस तरह का माहौल है झबरेड़ा विधानसभा को लेकर, बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं। क्या नाम है आपका जी? मोहम्मद उस्मान। उस्मान जी, माहौल क्या है इस बार 2022 का? 2022 का माहौल जो हम देख रहे हैं अपने गांव में नगला कुबड़ा में, लोग बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं मुझे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 2022 में 2012 में यहां से माननीय हरिदास जी विधायक थे, तो उनके टाइम में लोग बहुत सुकून से अपना जो है ना गाँव में किसी तरह के कोई झगड़े फसाद उन्होंने नहीं कराए, और उनका कार्यकाल 2012 झगड़े फसाद नहीं कराए हरिदास जी। 2012 में यहाँ से बसपा से हरिदास जी विधायक बने, आज उनके सपुत्र आदित्य ब्रजवाल को बसपा ने प्रत्याशी बनाया है। उस्मान जी का कहना है कि कभी कोई झगड़े फसाद नहीं हुए। और युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? अमन कुमार। अमन जी, किस तरह का माहौल है यहाँ? BSP का है सब पूरा। BSP का क्यों? यहाँ BJP के 2017 में विधायक बने देसराज कर्णवाल जी, और कांग्रेस भी जोर शोर से अपना प्रचार कर रही है। ऐसा है, मेन बात यह है कि उस टाइम पर जो वो जो कैंडिडेट खड़ा था वो कुछ सही था नहीं आया था, तो इसलिए अभी का कैंडिडेट बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य ब्रजवाल ही इस सीट पे उम्मीदवार है और इसी सीट पे जीत के जाएंगे। आदित्य ब्रजवाल जीत कर जाएंगे। आप, क्या नाम है आपका? रजत कुमार। रजत जी, किस तरह का माहौल देख रहे हैं झबरेड़ा में? माहौल तो यहाँ BSP का ही है, क्योंकि एक तो जो प्रत्याशी है पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी सोच सूझ बूझ गए हैं, और LLB की हुई है, थोड़ी उन्हें नॉलेज भी अच्छी है इसमें क्षेत्र में। LLB की हुई है, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, कुछ लोगों का कहना ये है। क्या नाम है आपका? उदय सिंह। उदय जी, ये लोग कह रहे हैं कि आदित्य ब्रजवाल के पक्ष में माहौल है, पढ़े लिखे हैं, आपका क्या कहना है? ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, अब की बार आदित्य ब्रजवाल जी के पक्ष में माहौल है, और वो गरीब आदमियों की हेल्प भी करते हैं, उनके पिताजी ने भी बहुत गरीब आदमियों की हेल्प की है, और इस बार BSP से उनको टिकट हुआ है, उनके बेटे को हरिदास जी के, बहुत अच्छा लड़का है, हर रुख हर छोटे बड़े आदमी का सम्मान करता है। छोटे बड़े आदमियों का सम्मान करते हैं आदित्य ब्रजवाल, युवा हैं, उनके पिताश्री जो हरिदास जी हैं विधायक रहे हैं वो भी लोगों का सम्मान करते थे, इनका कहना ये है। क्या नाम है आपका? अब शब्बीर। शब्बीर जी, किस तरह का माहौल देख रहे हैं विधानसभा झबरेड़ा में? विधानसभा झबरेड़े में हम बसपा का जीतने का उम्मीद कर रहे, क्यों कि उनके पिताजी ने पहले विधायक रह चुके हैं और अब उनके लड़के हैं, जिन्हें जिनके पिताजी ने कानून देख लिए तो उनके लड़के भी कानून सही कर सकते हैं। कानून सही कर सकते हैं, युवा चेहरे हैं, उनके पिताजी भी यहाँ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ काफ़ी संख्या में मौजूद है। क्या नाम है आपका? अंकुर कुमार। अंकुर जी, क्या कहेंगे आदित्य ब्रजवाल, सबकी का कहना यह है कि युवा चेहरा है, आपका क्या कहना है? आदित्य ब्रजवाल जी जो है फिलहाल युवा हैं, और उन्हें नॉलेज है, कानून के नियम भी जानते हैं अच्छे, और पहले से भी उनका रिकॉर्ड अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि दो बार उनके पहले से रिकॉर्ड क्या है उनका? उनके जो पापा है वो हरिदास जी दो विधायक रह चुके हैं यहाँ पे, और जनता जानती भी है, और उन्होंने देख भी रखा है हमने कि कैसे जनता जानती है उन्हें, और जाने पहचाने चेहरे हैं, आपका क्या कहना है? मोहम्मद फरहाद जी, बहुत अच्छे, हमारा कहना है ये अच्छे और सबके दुख सुख में काम जाते हैं, बस यही है। कुछ हमारे साथ लड़के भी मौजूद हैं, आपका वोट है इस बार? अभी वोट नहीं हुआ किसी, आपका वोट है? पहली बार वोट बना है? आपका वोट बना है, पहली बार वोट करें जी, कैसा लग महसूस करेंगे पहली बार वोट डाल के? बहुत अच्छा, एक्साइट। कैसा प्रत्याशी देखना चाहते हैं यहाँ? अच्छा, जो जैसे, हाँ वैसे ही। अभी कुछ खुलकर नहीं बोल रही, अभी पहली बार इनका वोट बना है। अभी हम नवला कुबड़ा में थे, देखना एक साथी हमारे साथ और आए हैं। माहौल है झबरेड़ा विधानसभा में? माहौल तो खराब है, ये कोई ऐसा विधायक बनता ही नहीं जो गरीबों को देखे यहाँ पे आगे क्षेत्र में विधायक हैं। इनका कहना है कि बसपा देखती है सबको? नहीं, बसपा देखती है वो नहीं, मैं कह रहा हूँ विधायक ऐसा बनाओ जो काम भी करे गरीबों के लिए,
बसपा का बने या कांग्रेस का बने, ये ना आना चाहिए भाजपा वाला। बस भाजपा से नाराज है? भाजपा कुछ करती है? भाजपा से नाराज है या विधायक से नाराज है? भाजपा ही बेकार है, विधायक तो है ही है जैसा है, वो तो गांव में बढ़ता भी नहीं कहीं आगे। विधायक नहीं घुसते आगे यहाँ पे देश राज करनेवाल जी। तो ये थे हमारे साथ नगला कुबला गांव के कुछ लोग, जिनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ बसपा का, इस गांव में बसपा का के प्रति माहौल बना हुआ है। आदित्य ब्रजवाल एक युवा चेहरा है, इसलिए उनको लोग पसंद भी कर रहे हैं। आगे दूसरे गाँव में जाकर देखेंगे क्षेत्र में कि क्या माहौल है। अभी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम जो है लाठरदेवा से एक गांव में आई है जो झबरेड़ा विधानसभा में पड़ता है। लोग यहां चाय की चुस्की ले रहे हैं, इनसे बात करते हैं कि माहौल किस तरह का है। क्या नाम है आपका? ताजीन। 2022 चुनाव चल रहा है, किसके पक्ष में माहौल है? जी कांग्रेस है, यहां तक कांग्रेस ही सर। कांग्रेस के यहां से विधायक है देशराज करनवाल जी, उनका क्या है? कुछ नहीं करा ही नहीं उन्होंने, कुछ किया देशराज करनवाल जो विधायक है यहाँ पर बीजेपी के, उन्होंने कुछ नहीं किया कि हमारे साथ युवा साथी हैं। क्या माहौल किसका है? कांग्रेस का है। तो पक्का एक तरफा कांग्रेस? कांग्रेस एक तरफा। 5 साल से यहाँ पे बीजेपी के जो विधायक जी हैं देशराज जी, 5 साल में अब आगे उन्होंने 3-4 सड़कों का जो है वो किया है, लेकिन अब 5 साल से यहाँ नहीं है। 5 साल से नहीं, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है? कांग्रेस के पक्ष में पूरा। आपका क्या? पूरा ही कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। ये लोग सभी कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं यहाँ पे, आपका क्या कहना है? कांग्रेस के इसमें है जी, कांग्रेस जी। एक युवा साथी बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब। ये भाई किसके पक्ष में माहौल है यहाँ पे? फिलहाल तो कांग्रेस ही है। बसपा के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि पक्ष बसपा के माहौल में है, और यहाँ फाइट जो है बसपा और कांग्रेस की दिख रही है जी। बसपा तो बस दिखावा कर रही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ चाय की चुस्की पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। एक युवा साथी और है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहबाज। शाहबाज भाई माहौल किसके पक्ष में है इस बार? कांग्रेस के। कांग्रेस के पक्ष में माहौल है यहाँ। आपका क्या नाम है? सुधीर। सुधीर जी माहौल झबरेड़ा विधानसभा में किसके पक्ष में है? मैं तो जी भीम आर्मी के। भीम आर्मी कौन है कैंडिडेट? जितेंद्र प्रमुख। जितेंद्र प्रमुख जी पहले शख्स मिले हैं जो भीम आर्मी का भी जिक्र किया है उन्होंने। एक युवा साथी और मौजूद है, क्या नाम है? नदीम अहमद। नदीम भाई माहौल किसके पक्ष में इस बार? माहौल तो देखो यहाँ से 21 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, पर उत्तराखंड का शोषण ही हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ। विधानसभा झबरेड़ा का आप हाथ देख लो, तमाम विधानसभा में गड्ढे गड्ढे हो, ना तो किसी ने विकास किया और ना कोई करेगा, हमें पूरा भरोसा इस चीज़ का। तो किस पे विश्वास जताया किस बार? अब की बार तो झाड़ू चलेगी, और जो कीचड़ है ना जहाँ कमल खिलता है पार्टी, और झाड़ू चलेगी। इनका कहना है कि झाड़ू इस बार विधानसभा झबरेड़ा में झाड़ू चलेगी, कीचड़ साफ करेंगे, कमल को खिलने नहीं देंगे। और कांग्रेस ने जो है ना, कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमान को यूज़ किया, मुसलमान का कोई भला नहीं किया आज तक। कांग्रेस ने कोई मुसलमान का भला नहीं किया, इस बार झबरेड़ा में झाड़ू चलेगी और कमल को कीचड़ में खिलने नहीं देंगे, इन लोगों का ये कहना है। आगे और कहीं चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं कि सर्दी कितनी है, लेकिन राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम झबरेड़ा विधानसभा में घूम रही है और माहौल जानने की कोशिश कर रही है कि किसके पक्ष में माहौल है। कुछ युवा साथी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, क्या नाम है आपका? अनुज। अनुज जी चुनाव का आगाज हो चुका है, किस तरह का माहौल है झबरेड़ा विधानसभा में? भीम आर्मी का। भीम आर्मी कौन है इसके प्रत्याशी? जितेंद्र भाई। जितेंद्र भाई के पक्ष में माहौल है जी। और युवा साथी मौजूद है, क्या नाम है आपका? फिरोज भाई। फिरोज भाई किसके पक्ष में है माहौल यहाँ? आप कुछ कहना नहीं चाहते, क्या कहेंगे आप? एएसपी का माहौल है, आजाद समाज पार्टी का। आजाद समाज पार्टी आपके यहाँ से 2017 में बीजेपी के विधायक बने, उनके बारे में क्या है? आप क्या कहेंगे उनका माहौल है? एएसपी तो यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। लगभग विधानसभा का हमने दौरा किया, 3-4 गाँव का दौरा किया, वहाँ पर माहौल जो है कोई एएसपी कह रहा है कोई बीएसपी, लेकिन बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं आदित्य ब्रजवाल उनके पक्ष में ज़्यादा लोग मिले हमें देखने के लिए। अभी माहौल बीएसपी के पक्ष में है, आने वाले कुछ दिनों बाद क्लियर पता चलेगा कि झबरेड़ा की जनता किसे स्वीकार करती है और किसको अपना विधायक बनाकर विधानसभा भेजती है। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार झबरेड़ा।